गाइज, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो फटाफट खरीद लो, क्योंकि स्मार्टफोन की शॉर्टेज पड़ने वाली है। क्यों शॉर्टेज पड़ने वाली है इस वीडियो में मैं बताऊंगा, लास्ट तक देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा फंडा क्यों शॉर्टेज होगी स्मार्टफोन की। क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का अभी वॉर चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में बहुत कर रहा है, 4-5 दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है और उसका असर अब चाइना में पड़ना स्टार्ट हो गया है। चाइना धीरे धीरे अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर रहा है, वो वॉर करने वाला है ताइवान के ऊपर। ताइवान पे वॉर करने से क्या होगा, तो ताइवान पे जब चाइना वॉर करेगा तो स्मार्टफोन की शॉर्टेज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम चिप्स बनाते हैं स्मार्टफोन की, जितनी भी चिप्स होती हैं, जीपीयू हो गया, प्रोसेसर हो गया, जितने भी चिप्स वगैरह आती हैं, वो मैक्सिमम 50-70%, जो स्मार्टफोन में मेनली बात करूं तो 70% तक की जो चिप्स हैं वो ताइवान बनाता है। तो आपको दिमाग में ये रखना है, जब चाइना ताइवान पे अटैक करेगा तो जो चिप्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ जाएगी। अभी भी आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो स्मार्टफोन बहुत कम आते हैं, जो भी स्मार्टफोन अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल भी होते हैं तो बहुत कम होते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप कोई भी ब्रांड का स्मार्टफोन खरीद, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही इस ब्रांड में ही प्रॉब्लम आएगी, आप कोई भी ब्रांड का स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो फटाफट खरीद लो, महंगा हो सस्ता हो कोई भी खरीद लो, लेकिन जब चाइना ताइवान पे अटैक कर देगा तो आप स्मार्टफोन खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि चिप्स की इतनी शॉर्टेज पड़ जाएगी। जो भी चिप्स अगर मान लो स्मार्टफोन आएंगे भी, तो वो जो अमेरिका और जो दूसरी कंट्रीज हैं वेस्ट की, वहां से आएंगे चिप्स, तो वो बहुत महंगे होंगे और स्मार्टफोन के प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको अगर स्मार्टफोन खरीदना है तो अभी खरीद लो। अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया, रशिया का देखा देखी, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। तो चाइना ने ये देखा और चाइना चाहता है कि हम भी अटैक कर देंगे, कोई तो बोल नहीं रहा है, यूएसए कुछ बोलेगा नहीं, तो इसी का देखा देखी वो भी अटैक करने वाला है ताइवान पे। उसने अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप अगर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, एक बार फिर बता दूं, तो फटाफट खरीद लो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप और भी ऐसी टेक न्यूज देखना चाहते हैं तो।